दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स 360 स्पोर्ट्स पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। आप सब हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा हो तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों यह नया साल आपके जीवन में खुशियाँ लाए, आपकी जो भी विश है वो भगवान उसको पूरा करे। और अगर आप यूट्यूब में काम करते हो तो दोस्तों आपका चैनल ग्रो हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को भी शुरू करता हूं कि यह नया साल हमारे जीवन में और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय टीम अब श्रीलंका के खिलाफ अपने नए साल की शुरुआत करेगी T20 सीरीज के साथ। इसमें हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई है और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम विजय के साथ शुरुआत करेगी और अपने घर में श्रीलंका का सफाया कर देगी। बिल्कुल युवा टीम है, यहाँ पर बहुत से नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। यहाँ पर आपके राहुल त्रिपाठी हो गए और ऋतुराज गायकवाड़ हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी लंबे समय से अनलकी हैं। जब भी उनको भारतीय टीम में मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वो चोटिल हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार वो टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। और यहाँ पर ईशान किशन हो गए, अक्षर पटेल हो गए, वाशिंगटन सुंदर हो गए और यहाँ पर एक और नया नाम है जैसे के बोले मुकेश चौधरी हो गए। तो काफ़ी अच्छे अच्छे युवा हैं। यहाँ पर उमरान मलिक को मौका मिला है, संजू सैमसन को मौका मिला है। अब देखना होगा कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या अपने किन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का मकसद आपको सबसे पहले न्यू ईयर विश करना था और आप हमें कमेंट करके बताइए क्या नए साल में भारतीय टीम विजय के साथ शुरुआत करेगी और आने वाला लंबा समय है। इस साल इस साल 50 ओवर के फॉर्मेट में वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है, IPL होने वाला है। तो बहुत कुछ है इस साल। तो दोस्तों बने रहिए और इस सब की जानकारी मैं आपको इस स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।